ये देखो दो अंडे आए हुए हैं माशाल्लाह। ईद से पहले हमने इसका काम स्टार्ट किया था लेकिन स्विमिंग पूल अभी तक नहीं बन सका। उसकी वजह यह है कि ईद के अंदर हम जानवरों के अंदर इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि हमें अपने सेटअप का काम करना याद ही नहीं रहा और ना ही हमें टाइम मिल सका। सनी भाई ऐसे ही है ना यार, टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसी वजह से स्विमिंग पूल का काम ना कब से वहीं पे पड़ा हुआ है। इसको अंदर से हमने दो दीवारें प्लस्तर कर ली थी, एक ये वाली कर ली थी और ये वाली दीवार भी हमने प्लस्तर कर ली थी। अब सनी भाई इसका क्या काम रह गया यार? इसको सीटें लगानी है, इसको प्लस्तर ना करें फिर। यार सनी ने एक आइडिया दिया था, वो ये दिया था कि हम ना ऐसा करते हैं कि इसकी चारों कॉर्नर्स पे ना अंदर पहले लुक लगा के उसके ऊपर हम प्लास्टिक से सीटें चिपका दें, यानी कि प्लास्टिक सीटें चिपका दें, उससे पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। ये भी आइडिया अच्छा है, इस पर भी गौर किया जा सकता है। आप लोग बताएं कि यार हम यहाँ पे अंदर प्लास्टर करवा के वाटर प्रूफ कर लें या इसको प्लास्टिक की शीट लगा के वाटर प्रूफ कर लें। आइडिया दें यार ताकि उस पर जल्दी से जल्दी काम किया जा सके। और उसके बाद इसके अंदर सनी भाई फाउंटेन भी बनाना है यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार गर्मी की वजह से ना हमें आज अपनी डकलिंग्स को नहलाना पड़ रहा है, तो नहलाने के लिए ना सनी भाई ने बाल्टी ले आई है और यहाँ पे हमने बाल्टी के अंदर पानी डाल दिया है। देखो कितने मजे से नहा रही है यार, अभी सिर्फ एक बतख डाली है। सनी भाई बाकी दोनों को भी ले आओ यार, असील के पट्टे को बाहर निकालो, इसको ना शावर के साथ नहा देते हैं क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस वाले चूजे को भी नहला देते हैं, ये देखो कितने मज़े से नहा रहा है यार ये। और मुर्गा और मुर्गी तो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है यार, मुर्गा वो पेटियों के नीचे घुस गया और मुर्गी वहाँ पर बैठी हुई है, इसको नहा देते हैं ये ऐसे, वो भी नीचे घुस गई है यार। ये पानी से पता नहीं क्यों डरते हैं, हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सारे दरिंदों को एक बार नहाना चाहिए। ले आए बाकी भी, ओए कितने मज़े से नहा रही हैं यार। सनी ये तो बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनको आज नहाने दो यार क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इनको नहलाया नहीं हमने। और यहाँ पे एक और जानवर है वहाँ हमारे सेटअप पे। अब हमजा भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, क्या हाल चाल है? परिंदे शरिंदे पसंद आए हैं आपको? यार काफी दिनों से हमजा बोल रहा था कि हमने ना आपका सेटअप देखना है, तो आज मैं हमजा को सेटअप के ऊपर लेके आया हूँ। लेकिन आजकल हमारे पास परिंदे बहुत कम हुए पड़े हैं क्योंकि आप लोगों को पता है हमने चूजे भी सारे दे दिए हैं, सारे निकाल दिए हैं, चार पांच चूजे रह गए थे। सनी भाई उनका क्या किया था? मैंने वो बच्चों को दे दिए, सब्सक्राइबर आए थे। अच्छा सनी भाई बोल रहे हैं सब्सक्राइबर आए थे तो उनको सनी भाई ने बाकी सारे चूजे उठा के दे दिए। बाकी एक सिर्फ चूजा मैंने रख लिया क्योंकि मुझे ये वाला चूजा बहुत ज्यादा पसंद है और ये एक्टिव भी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मैंने इसको रख लिया था कि ये बड़ा हो जाएगा तो इसको ना यानी कि देसी मुर्गियों के साथ छोड़ेंगे और क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि लेयर की ब्रीड हमारे पास आ जाएगी। और ये देखो यहाँ पे इतने ज्यादा चावल डाले थे यार, बतखों की वजह से ना यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। आप लोगों को पता बतखें बहुत ज्यादा गंदगी फैलाती हैं यार। ये देखो ये ग्रीन वाले पैरट को मैंने यहाँ पे सुबह तरबूज डाला था, इसने खा लिया, बाकी किसी और ने नहीं खाया, तो इसी वजह से ना ये भी उठा के हम अपने ग्रीन पैरट को दे देते हैं। एक सेकंड यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे तो मैंने तार बांधी है तो यहाँ से खोल कर ये ऐसे इसको अंदर भेज देते हैं ताकि हमारा ग्रीन पैरट खा लेगा। यार इसको मैंने ना इतना टेम करने की कोशिश की है लेकिन ये मुझसे टेम नहीं हो सका क्योंकि ये इनको इसको ना मैंने अपनी माँ से बहुत देर से अलग किया था, इसी वजह से ये मुझसे टेम नहीं हो सका। वरना आपको पता है मैंने तकरीबन काफी ज्यादा परिंदे टेम किए हुए हैं। और यार एक बैड न्यूज है सनी भाई, बैड न्यूज है, बहुत बड़ी बैड न्यूज है यार। हमारा जो थे ना ये चेरी और क्या नाम था, टॉम एंड जेरी, टॉम एक्सपायर हो गया यार, सिर्फ जेरी यहाँ पे रह गया और इस वाले जोड़े का भी मेल एक्सपायर हो गया। अनस बिलाल वाला जोड़ा नहीं था दोस्तों, अनस बिलाल वाला जोड़ा था उसका मेल आज सुबह एक्सपायर हो गया यार, बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा देख के। गर्मी बहुत ज्यादा यार, ये देखे मुझे भी इतने ज्यादा पसीने आ रहे हैं, गर्मी की वजह से परिंदे बहुत ज्यादा तंग हुए हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी डव ने ना कोई अंडे शंडे दिए हैं, यहाँ पे एक डव बैठी हुई है, इसको देखता हूँ, मुझे लगता है कि अंडा आया हुआ है यहाँ पे। एक सेकंड ओ माशाल्लाह, ये देखो दो अंडे आए हुए हैं माशाल्लाह। यार ये आजकल के अंदर ही इसने दिए हैं, यानी कि एक दो दिन हुए होंगे, दो अंडे आ चुके हैं तो उम्मीद है कि ये तकरीबन 17-18 दिन के अंदर अंदर ही बच्चे निकालेंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि इतने दिन ही लगते हैं आजकल अंडों को, 17 या 18 दिन के अंदर अंदर चूजा निकल आता है। हमारे पास यार काफी ज्यादा डव्स हो गई है, मेरे पास सिर्फ दो जोड़े थे और अब माशाल्लाह काफी ज्यादा हो गई हैं। एक वो बैठी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और दो अंडे भी पड़े हैं, इंशाल्लाह 10 हो जाएगी, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सनी क्या कर रहा है यार तू, नहला रहा है? चल मैं भी बाहर आता हूँ यार, इस वाले चूजों को भी नहला दे, ये वाला बेचारा भी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान है।
ओह मजे हैं यार इसके तो। इसके पनों के नीचे पानी डाल लो। हाँ ऐसे ऐसे यार। बालों वाली चुड़ैल का पता नहीं क्या क्या सीन है, वो मिली नहीं रही। बालों वाली चुड़ैल यानी कि हमारा व्हाइट वाला रैबिट काफी दिनों से नहीं मिल रहा। ये नीचे कहीं गुस्सा होगा। एक सेकंड, ये एक रैबिट ये बैठा हुआ है, ये देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट रैबिट है। और एक ये भी बैठा हुआ है, ये एक ये रैबिट बैठा हुआ है और एक ये रैबिट बैठा हुआ है। और बाकी रैबिट्स को देखते हैं कहाँ है। एक दो रैबिट यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाकी पता नहीं कहाँ पर है यार, बाकी नजर नहीं आ रहे। एक ना ही बाला वाली चुड़ैल नजर आ रही है, यानी कि वो जो हमारा अंगूरा रैबिट है। और उसके अलावा जो दूसरा सफेद रैबिट है ना मेल, वो भी नजर नहीं आ रहे यार। तकरीबन 7-8 दिन तो हो ही गए हुए हैं, और उससे पहले भी ये यानी कि वहां से जब से फरार हुए ना वो वाले केज से, ये नीचे पेटियों में घुस जाते हैं और इनको मैं पकड़ ही नहीं सकता। ये देखे ना, यहाँ पे मेरा हाथ ही नहीं जाना, इसी वजह से ये काफी दिनों से मेरे हाथ नहीं लग रहे। और इनकी डाइट का भी सही तरह ख्याल नहीं रखा जा रहा, क्योंकि ये बाहर आएंगे तो कुछ खाएंगे। सनी यार, बालों वाली चुड़ैल बाहर क्यों नहीं आ रही? हाँ, काफी दिन हो गए नजर नहीं आ रही यार। ऐसे तो यार ये अंदर आ रहा है कि एक्सपायर हो जाएगी गर्मी में यार। ये मेरा ख्याल है बाहर निकलते ही होंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से ये इतनी ज्यादा देर तो अंदर नहीं रह सकते, इनको बाहर आना ही पड़ता होगा। क्या ख्याल है सनी यार? मैं आके तू एक बार इनको पकड़ के नहला दे। यार ये बाहर आएंगे तो इनको पकड़ेंगे, इनको क्या लालच दे यार वैसे सनी। नहीं वो नजर ही नहीं आ रहे, तू नहलाएगा कैसे इनको? और यार मैं तो ना स्विमिंग पूल के बारे में बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार। आप लोग मुझे जरूर बताएं कि स्विमिंग पूल का हम क्या करें। हमने एक दो दिन के अंदर अंदर ना इसको कंप्लीट करना है। वैसे तो हमने इसको यानी कि हाइट के अंदर बना लिया हुआ है, सारा कुछ इसका कम्प्लीट हो गया, लेकिन इसके ना वाटर प्रूफिंग का प्रॉब्लम आ रहा है कि इसको हम कैसे वाटर प्रूफ बनाएं, बाहर की तरफ पानी ना आए। या तो हमें शीट लगानी पड़ेगी, या तो हमें इसके अंदर ना यानी कि तारकोल या लुक शुक लगा के वाटर प्रूफ करना पड़ेगा। दो आइडियाज हैं, आप लोग बताएं कि हम कौन सा वाला ट्राई करें। और उसके बाद इंशाल्लाह इसके अंदर फाउंटेन बनाएंगे मछलियों के लिए और बाकी सारे परिंदों के लिए, ताकि हमारे परिंदे वहां पर नहा सकें। और इतना बड़ा बनाया कि सनी भाई भी नहा सकते हैं अंदर। सनी तू मछलियों के साथ अंदर बैठ के नहा सकता है वैसे, बड़ा मजा आएगा। मैं भी अंदर बैठ सकता हूँ वैसे, इतना बड़ा है माशाल्लाह यार। अभी नहीं डाल सकते, अभी पानी डालेंगे सारा निकल जाएगा। ओ भाई जान, सारा पानी निकल जाना है। तूने क्या देखना है आप मुझे, मैं तुझे बताऊं। आजा, पानी कैसे डालेगा, सारा पानी लीक हो जाना है यार। सनी बोल रहा है कि अभी पानी डालो, ये देखो ये वहां से भी सारा लीक हो जाना पानी, यहाँ से भी लीक हो जाना। तूने ये दो दीवारें प्लास्टर की है, दूसरी तीसरी नहीं की हुई यार, जल्दी काम करो इसका। यार दोस्तों आप लोग बताएं यार क्या करना है, यहाँ प्लास्टर करना है या दूसरा शीट लगानी है? आज कमेंट आएंगे ना तो उसके बाद हम फैसला करेंगे क्या करना है। ठीक हो गया, तो आज इंशाल्लाह फैसला होगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।